सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो। परम सन्मानियो गुरुरु गुरु खालसा साह संगत जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक परिवार विच एक पिता दे चार पुत्र सन। किरसाना कारोबार सी। उन्हां दे माता पिता पूरे हो चुके सन, व्याहे तो चारे ही सन, पर तिन्ने छोटे भाई तो दिन रात कारोबार करते रहिंदे, पर वड्डा ऐशप्रस्त कोई कारोबार नहीं सी करता। खर्च भी दूसरों नालों ज़्यादा करता सी, इस करके छोटे दुखी हो जाते सन। सोचते सन कि इसनों चौथा हिस्सा वंड के दे के वखरा कर देंदे हाँ, आपे अपनी लोड़ नूं तां करेगा ही, ना करेगा तां भुखा ही मरेगा, जद भुखा मरेगा तां आपे ही करेगा। कदे गीता दी पोथी अगे रख लैंदा है, कदे मंदर जा के बैठा ही रहिंदा है, ते सारा कारोबार असी करदे रहिंदे हाँ, खपदे रहिंदे हाँ, इस तरह सोचदे सी। उन्हां ने अपने उस भरा नूं चौथा हिस्सा दे के वखरा कर दिता। उसका कारोबार धंधा ओही कि गीता पढ़नी, मंदिर जाना, कथा सुननी। आस्ते आस्ते घर की सारी पूंजी समाप्त हो रही सी। आपे ही सहुरिआं ने विचारी धी नूं एक मझ जो दित्ती होई सी वह भी विक गई। टूम छला सब विक गया, पल्ले कुछ ना रहा। घर दी ने आखना कि पति जी कोई कारोबार भी करया करो, हुण तां आपां रोटी तो भी आतर हो रहे हाँ। तां उसने आख्या कि भोलीए तू रब ते भरोसा रख, वह आपे ही देगा। इस ही तरह कुछ समा होर बतीत हो गया। तां पत्नी ने आख्या कि हुण अज मैं कित्थों पकाउणा है जो आप खाणा ते बच्चों नूं भी खवाउणा है। तां इह ही आख के भलीए रब दे उत्ते भरोसा रख, वह आपे ही देगा। ता आख के घर तो बाहर जंगल नूं निकल गया। पानी दी भाल करदा होया एक छपड़ी ते पहुँच गया। पानी दूर सी, हाथ ना पहुँचया। बैठ के चिक्कड़ परे करन लग पिया ता की वेखदा है कि एक मटकी माया दे नाल भरी पई है। उसने झट उस उपर मिट्टी पा दित्ती कि मैं रात नूं ले जावांगा कि सवेर दा वक्त है, सारा नूं पता लग जाएगा, फिर सारे नगर विच चर्चा होएगी। इस करके घर आ गया। पत्नी नूं आण के दस्या कि अज मैं पानी दे किनारे माया दे नाल भरी होई मटकी वेख के आया हाँ, लियांदी नहीं, उस दे उपर मिट्टी पा के ढक आया हाँ। तां पत्नी ने आख्या कि तुसा लियांदी क्यों नहीं है। तां उसने उत्तर दिता कि ओह प्रभु सानू आपे ही देगा, असां लिया के की करनी है। उस वक्त उसकी गुआंढण सुन रही सी। उसने अपने पति नूं दस्या कि मैं यह गल गुआंढी नूं करदिआं सुनिआ है, आपां अख चुरा के पुट लिआउंदे हाँ। तां दोवें ही जी तुर पए। जद जाके पुट के वेख्या विच इक काला नाग फनियर बैठा सी। जद उसने फुंकारा मारिआ तां उहनां ने डर के मटकी उत्ते ढक्कण दे दित्ता ते आख्या कि यह गवांडी ने सानू मारन दा यतन ही कीता होएगा, सानू ही सुनाया होएगा कि यह पुटणगे सप लड़के मर मुक जाणगे, पर आपां भी खड़ के उहनां दे छप्पर दे मुग थाणी सुट देंगे, असी तां बच गए हाँ, वह नहीं बचणगे। उहनां ने मटकी उठाई घर लिया के रख ली कि रात नूं जद सारे सौ जाणगे मुग थाणी अंदर सुट देंगे। यह काला खड़प्पा नाग है, ये उन्हां नूं लड़ जाऊगा ते ओह सारे मर जाणगे। इन्हां दी इस चलाकी खेडी दा फल इन्हां नूं ही मिल जाएगा। तां उन्हां ने इसे तरह ही कीता। ओह तां माया ही सी जो नाग दे रूप विच उन्हां नूं दिखाई दे चुकी सी, क्योंकि उन्हां दे कर्मां अंदर नहीं सी। जदों ओह पति पत्नी सवेरे उठे उन्हां ने माया दा ढेर वेख्या। खुशियां दा सूरज चढ़ गया, गमियां चिंता हनेरे दूर हो गए, छपरां दी जगह ते सोहणे मकान बन गए। सो सज्जणों,
यह है प्रभु उत्ते भरोसा रखण दा शुभ फल। तुसी भी प्रभु उत्ते भरोसा रखो, प्रभु तुहाडा हम सहाई होवेगा। सो सत्संगी जनों, प्रभु दी वड्याई अथाह है, कथी नहीं जा सकती। जो प्रभु भगती विच लगा रहिंदा है उसनू किसे पदार्थ दा घाटा नहीं रहिंदा। इस जीवन विच प्रभु सिमरन ही सार वस्तु है। सिमरन करो ता सच्चा आनंद माणो जो सतगुरु तो प्राप्त हुंदा है। जेड़ा वक्त जिंदगी दा प्रभु सिमरन तो खाली लंघ गया है वह किसे लेखे विच नहीं आउंदा। व्यर्थ है, पता नहीं है कि कदों सदे दा परवाना आ जाना है। मुसाफिर जद किसे लंबी मंजिल दी तैयारी करता है तो कई तरह के समान राह दे खर्च तैयार करता है। अंत परलोक दे सफर दे पांधी बनना है तो उस पंध दे सफर वास्ते भी कुछ सोचना जरूरी है। बहुत कठिनाइयां हन, सख्ताइयां हन, तपशां हन, कुछ प्रबंध करना पवेगा। गुरां दी बख्शिश चाहीदी है, नाम सिमरना चाहीदा है। नाम साथी होवेगा तो हर जगह ते रख्या होवेगी। जमदूतां तो बचना है, तपशां तो बचना है, अगन कुंड तो बचना है, नरक दी खाई तो बच के लंघना है, खंडे दी तिखी धार वर्गी वाट तो लंघना है, दूतां तो बचना है। बहुत कठिनाइयां हन, गिणियां दसियां नहीं जा सकदियां। हर सख्ताई ते नाम ने ही रख्या करनी है। पर जे नाम नू साथी करेगा तां, नहीं तां जमा दे हाथ बड़े सख्त मजबूत हन जिन्हां हत्थां दे विच इसने आउणा है। चित दी आसा नू मिटाउणा है। चित दी आसा एक जेवड़ी है जो इस अंदर बज जांदा है, आजाद नहीं हो सकदा। चित ही संसारी भोगां दीआं आसां रखदा है जो अज तक पूरियां नहीं हो रहीआं हन। एक आसा चित विच करोगे तां उस विचों सैकड़े ही आसां होर वध जाणगीआं। इसलिए जे सुख चाहुंदे हो तां आसां दा त्याग करके प्रभु दा सिमरन करो। यह जितनिया इच्छा हन सब दुख रूप हन। सो हे सत्संगियो, अपने मन तो इच्छा चाह लोभ दा त्याग करो। जब तक इन्हां दा त्याग नहीं होवेगा तद तक मन एकागर नहीं होवेगा। रावण दे पास की नहीं सी, सोने दी लंका सी, 1 लख पुत्र सी, 1.25 लख नाती पोतरा सी, भाई सूरबीर सन, सोने दा तखत सी, सोने दा छतर सिर ते झुल रहा सी, 5000 अदोदरी वर्गियां सुंदर मनमोहणियां इस्त्रियां सन, किसे पदार्थ दी कोई कमी नहीं सी। इंद्र देवता राजा अते अग्नि देवता, पवन देवता नौकरां वांग सेवादार सन। पर एक सीता दी चाह पैदा होई तां सब कुछ तबाह कर लिया। कोई पिछों उसका दीवा जगाउण जोगा नहीं रहा। भभीषण उही रावण हथों दुखी होया राम जी की शरण विच आ गया, क्योंकि वह भगती भाव वाला अद्वैत ईरखा भाव तो रहित सी। सो साह संगत जी रहत होना पैंदा है। सो हे सत्संगी जनों, बस अपने मन नू निर्वैर कर लो। जब तक यह मन दूषणा तो रहत नहीं हुंदा तद तक मन स्थिर नहीं हो सकता। इस मन नू बहुत विकार दबाई रखते हैं, कोई पेश नहीं जान दिंदे। सोच समझ अकल मसराना करी रखते हैं, प्रभु वल ध्यान नहीं लगन दिंदे। सो इन्हां दा त्याग ही मन दी अस्थिरता ते एकाग्रता है। मन नू काबू करन वास्ते मन दा सुधार ही करना पैंदा है। जिस तरह कल दा रोज़ चला गया है, अज दा आ गया है, अज दा भी चला जाएगा, अगे होर तैयार खड़ा है, अंत समा नेड़े आ रहा है रब नू प्राप्त करन दा, तू वक्त सोच। एह ही है जो बीता जा रहा है, जद बीत गया मुड़ हाथ नहीं आएगा। सो साह संगत जी, सानू समा गवाना नहीं चाहिदा। सेवा ते सिमरन करके अपना जीवन सफल करना चाहिदा है। सो सजनों, ये है उस प्रभु ते भरोसा रखण दा फल। जो प्रभु ते भरोसा कर लैंदा है उसदे सारे कार्य सफल हो जाया करदे हन।
होइया भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी जी। दास नूं आग्या दिओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।